यकीन मानिए यूं आग तापते तापते एक तो ठंड का एहसास नहीं होता और दूसरा वक्त कैसे बीत जाता है पता ही नहीं लगता। जी हाँ, वैसे वक्त कैसे बीत गया सीरियल बहू बेगम में ये भी तो नहीं पता लगा। देखते ही देखते सीरियल में 5 साल का लीप आ गया है, शायरा का अब कहीं नामो निशान नहीं है और नूर आ गई है वापस चीज़ों को संजो कर रखने के लिए। ये कोई काम आप भी नहीं चाहता है, सारा दिन घर पे देवदास बन के पड़ा रहता है। इनफैक्ट ये काफी दिनों से नया नहीं था, वो तो हाथ जाके नया है ना। आप ही का कमरा है जो थोड़ा ठीक ठाक है, वरना अगर आप बाहर की हालत देखोगे ना तो ना अभी भी बिल्कुल पहले जैसे। शिकायत करने की आदत तरीका है अम्मी, वैसे मुझे दूर लोगों को दिखाना है। चल मेरे साथ चल, अम्मी वैसे को दिखा देना। मैं 5 साल बाद लौट आई है नूर। इन 5 सालों में भोपाल में कितना कुछ बदल गया है। रजिया बेगम जिसकी आवाज पूरे भोपाल की शान हुआ करती थी, आज वो चुपचाप से एक बिस्तर पर पड़ी हुई है। अब बात नहीं करेंगी, अब मैं सब ठीक कर दूंगी। 5 सालों के बाद वापस आई हूँ, लेकिन अब आई हूँ ना कहीं नहीं जाऊंगी। ये मेरा घर अजान जिसका एटीट्यूड हर कोई देखना चाहता था, आज वो देवदास बना बैठा है। और 5 साल बाद जब नूर लौटी है तो जरा उसके भी ठाट बाट देख लीजिए, एकदम से बदल गई है। अब वो क्या है ना, नूर अपने पैरों पर खड़ी हो गई है। अब वो लौटी है तो रजिया बेगम और अजान दोनों को पहले जैसा करने की पूरी कोशिश करेगी। नूर थोड़ी बदल के आ गई क्योंकि वो 5 साल थी नहीं, तो मुझे भी पता नहीं अभी क्या कर रही हूँ मैं, बट इतना पता है कि सब ठीक करने आई हूँ घर पे। और ऑब्वियसली लुक चेंज है कम्प्लीटली, थोड़ी मोर सफिस्टिकेटेड सी हो गई हूँ, झल्ली नूर से थोड़ी न्यूर हो गई हूँ, खुद अपने पैरों पे खड़ी हो चुकी है, तो वो इंडिपेंडेंट है। तो अब घर पे जितना सब कुछ बिगड़ा है वो सब इंडिपेंडेंट अजान को भी बनाई है, और देखा जैसे सीन में रजिया बड़ी अम्मी को भी वो इंडिपेंडेंट बनाएगी, और जब तक सब संभल नहीं जाता है तब तक वो यहीं रहेगी। फिलहाल रजिया बेगम का जन्मदिन है और अजान दिल में थोड़ी थोड़ी सी खुशी लिए अपनी माँ का जन्मदिन मना रहा है। बहू बेगम की निशानी जो रजिया बेगम कभी भी खुद से जुदा नहीं करती थी, आज देखिए अजान अपनी माँ को कितने प्यार से पासा पहना रहा है। अब इसके आगे की कहानी थोड़ी बहुत हम जानते हैं, जो आपको जरूर बताना चाहेंगे। अजान और नूर के बीच प्यार की शुरुआत होगी क्योंकि शायरा का तो सीरियल से पत्ता साफ हो गया है। इनकी तू तू मैं और छोटी मोटी लड़ाई इन्हें एक दूसरे के करीब लाएगी। ये कोई काम आप भी नहीं चाहता है, सारा दिन घर पे देवदास बन के पड़ा रहता है। इनफैक्ट ये काफी दिनों से नया नहीं था, वो तो हाथ जाके नया है ना। आप ही का कमरा है जो थोड़ा ठीक ठाक है, वरना अगर आप बाहर की हालत देखोगे ना तो अभी भी बिल्कुल पहले जैसे। शिकायत करने की आदत तरीका है। मुंबई से नेहा सावंत के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ये है ABP न्यूज, आपको रखे आगे।